ओए 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 रजाई, हाँ रजाई भी 49 की मिल रही है ना, तो अच्छी मिल रही है 49 की। स्कूटी चलाने की यही कमी रह गई थी ये। अस्सलाम वालेकुम मेरी सारी सोनी सोनी यूट्यूब फैमिली, कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी हैं ठीक ठाक और आप लोग भी होंगे ठीक ठाक। अल्लाह ताला सबको ऐसे अपने घरों में हंसता बसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखें, आमीन। अच्छा जी, इस टाइम जो है ना टाइम हो रहा है 9:40 का टाइम हो रहा है और ये उठे हुए हैं, ये पूरे 9 बजे जो है ना पूरे 9 बजे उठ गए और इन्होंने जो मेरे चेहरे पे नेल्स मारे हैं और मेरे बाल खींचे हैं, मेरी बालियां खींची हैं कि ओ माँ तू उठ जा, तू सो क्यों रही है, तो इन्होंने मुझे उठाया है और रात में जैसे कि ये सोए हैं माशाल्लाह माशाल्लाह 10 बजे सोए हैं, 10:45 बजे ये सोए हैं और अपने टाइम पे ये अब उठ गए और पूरी रात भी ये बीच बीच में 3-4 दफ़ा उठते रहे। जैसे मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछा गया था कि आपके बच्चे रात को जगाते हैं, ऑफ कोर्स जगाते हैं, बहुत जगाते हैं ये, रात में 3-4 दफ़ा उठते हैं ये। फिर इस टाइम पे भी ये उठ के बैठ गए और इन्होंने जो मुझे थप्पड़ मारे, जो इन्होंने मेरे बाल खींचे, बालियां खींची कि उठ जाओ, और क्योंकि बच्चों को भेजने के बाद ही मुझे नींद जो आती है ना बड़े मज़े वाली नींद आती है और अभी मुझे इतनी अच्छी नींद आई हुई थी कि इन्होंने ज़बरदस्ती उठाया मुझे अहमद साहब ने, और रूम में इनको सुकून नहीं आता, रूम में चीखना चिल्लाना इनका रहता है और मोहम्मद साहब सो रहे हैं, तो इस वजह से मैं ना उनकी ना नींद ख़राब हो इस वजह से मैं इनको यहाँ बाहर लेके आई हूँ। अब मैं इनके साथ बैठी हूँ, अब जाहिर सी बात है 9:40 पे ये जागे हैं, बच्चों ने आना है 12 बजे, अब मैं 2 घंटे इनके साथ क्या करूं? और मैं यहाँ अभी सोफे पे भी लेटी हूँ, यहाँ तकिया रखा है मैंने थोड़ा सा, लेटी हूँ तब भी ये मुझे लेटने नहीं दे रहे, कह रहे हैं जागो मेरे साथ, तुम क्यों लेट क्यों रही हो। बस भाई छोटे बच्चों के साथ जो रूटीन होती है ना वो हमें जो है ना इनके साथ ही बनानी पड़ती है, इनके साथ ही उठना, इनके 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 मुताबिक ही उठना, इनके मुताबिक ही बैठना, सोना सब इनके मुताबिक करना पड़ता है। अब मैं दुआएं करती हूँ कि बस जल्दी से ये बड़े हो जाएं। सब बच्चों ने ऐसे किया है मेरे साथ, सब बच्चों ने ही मुझे जगाया है, रातों में भी जगाया है, दिन में भी जगाया है, सब बच्चों के साथ ऐसे ड्यूटियाँ दी हैं और मेरे ख्याल से आप सब भी ऐसे दे रहे होंगे अपने बच्चों के साथ ड्यूटियाँ, और आप जिनके छोटे छोटे बच्चे होंगे जैसे कि वो मुझसे पूछती हैं कमेंट सेक्शन में मेरे सिस्टर्स के, भी आप हमारे भी इतने मंथ की बेटी है, मेरी भी इतने मंथ के बेटे हैं, तो वो आप अहमद आपके साथ ऐसे करते हैं, सबका एक ही हाल होता है, माओं का सबका एक ही हाल होता है भाई। मैंने इनको ये चीज़ें दे दी हैं क्योंकि ये काफ़ी बोर हो रहे हैं और मुझे सुकून से बैठने भी नहीं दे रहे ना लेटने दे रहे, मैंने इनको ये चीज़ें दे दी हैं। मैंने सोचा कि अब मैं थोड़ा किचन में चली जाऊँ, किचन में कुछ बना लूँ खाने के लिए इनके भी और अपने लिए भी। अच्छा जी, यहाँ अहमद साहब के लिए मैं बना रही हूँ ओट्स, ये देखिए ये वाला मैंने लिया है, ये देखिए ये डाल दिया, इसको थोड़ा सा भूनूंगी बटर के साथ, फिर इसके अंदर मिल्क ऐड कर दूंगी, स्वीट वाला बना रही हूँ, थोड़ा सा इसको भून लेंगे,
मैं इसमें मक्खन ऐड कर दूंगी। मक्खन के साथ भी मैंने अच्छी तरह से भून लिया। अब मैं इसमें मिल्क ऐड कर दूंगी। अच्छा जी, अब मैं इसमें चीनी भी ऐड कर दूंगी। थोड़ी सी चीनी मैंने इसमें 3 स्पून जो है ना डाली है, 3 चम्मच डाले हैं भर के, क्योंकि मुझे पता है अहमद साहब के साथ साथ मोहम्मद साहब भी खाएंगे, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा बना रही हूँ। दूध थोड़ा सा मैंने और ऐड किया है। और ये देखिए, अब ये पकता रहेगा, गाढ़ा हो जाएगा, फिर उतार दूंगी। इसमें खजूर भी ऐड कर सकते हैं और इसमें थोड़ा सा कस्टर्ड भी मिक्स करके ऐड कर सकते हैं। फ्लेवर बहुत अच्छा आता है दलिये का, ओट्स का कस्टर्ड आप मिल्क में थोड़ा सा डाल के मिक्स करके और इसमें ऐड कर दें, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अच्छा जी, ये देखिए माशाल्लाह गाढ़ा भी हो गया है और ये देखिए जी काफ़ी टेस्टी भी लग रहा है। और अल्लाह करे अहमद साहब भी मज़े से खा लें। मुझे तो ये स्वीट वाला ओट्स बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, जब मेरी डिलीवरी हुई थी अहमद साहब हुए थे 40 डेज में, मैंने ये बड़ा खाया, इससे दूध भी बहुत उतरता है। तो मैंने ये स्वीट बना बना के ना पुलाव भी मीठा डालती थी बिल्कुल, और इसमें फ्लेवर के लिए मैं थोड़ा सा ना कस्टर्ड डाल देती थी, मैंगो कस्टर्ड पाकिस्तान का रफान वाला, वो थोड़ा सा मैं मिक्स करके ऐड कर देती थी, तो बहुत टेस्टी लगता था। मैंने बहुत खाया ये मैंने यहाँ ठंडा होने के लिए बॉल में डाल दिया है। और यहाँ मैंने जो है ना थोड़े से ठंडे दूध में तुक मलंगा डाल दिया था। ये देखिए जी फूल गया है तुक मलंगा ना इसके अंदर। अभी थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर मैं इसके अंदर ये तुक मलंगा जो फूला हुआ है वो भी ऐड कर दूंगी। अस्सलाम वालेकुम, ये भी उठ गए हैं मोहम्मद साहब, उठ के आ गए और फौरन ही टॉय अपने लेकर आ गए और भाई के साथ खेलना शुरू कर दिया इन्होंने। और अहमद साहब की भी अब आवाज़ निकली है मोहम्मद साहब को देख के। अच्छा जी, ये ओट्स मैंने ठंडा करके इसके अंदर जो है वो मिक्स करके तुक मलंगा जो मैंने मिक्स किया हुआ था वो मिक्स करके अहमद साहब को खिलाया। अहमद साहब ने बड़े शौक से खाया है और बहुत ही टेस्टी बना हुआ था। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने बेबी के लिए और खिलाएगा, इंशाल्लाह बच्चा ज़रूर खाएगा। अच्छा जी, यहाँ मैंने बनाए हैं पकौड़े, ये बच्चों के लिए बनाए हैं फीके, और ये मैंने हरी मिर्च वाले बनाए हैं अपने लिए। ये देखिए जी, इमली की चटनी, छत्ता और केचप। केचप ख़त्म हो गई थी तो केचप में थोड़ा सा पानी मिलाया है, जुगाड़ की है। अब इनकी बारी है स्कूटी चलाने की, यही कमी रह गई थी। ये ओ ओ बिस्मिल्लाह, अहमद अहमद चोने कहाँ जा रहे हैं? अहमद अहमद कहाँ जा रहे हैं? ओए ओए अहमद, या अल्लाह अहमद, ये क्या कर रहे हो? ये देखिए, ये देखिए, ये कैसे जाता है, ये देखें ज़रा, ये कैसे जाता है, ये जाता कैसे है? ये काम है इसके, मैं पास ही बैठी हुई हूँ, मेरे पास बैठे होते हुए ये शरारतें हो रही हैं। ये देखें, ये गया, ये देखें, ये टेबल पे आप इसका क्या काम है? ये देखिए, ये आप सुकून से ना बैठने देता है ना ये सुकून से खुद बैठता है। अब ये टेबल के अंदर पेपर पड़ा है, इसको है कि मैं उठाऊं, ये कोई चीज़ ऊपर पड़ी है। ये देखिए, ये तो हाल है। ये ता पीकाबू पिकअपू पिकअपू
ये करता बोल रहे करता अहमद अहमद बेटा ऐसे नहीं होता माशाल्लाह माशाल्लाह। इधर आओ इधर इधर आओ इधर आओ इधर आओ। हाँ आ जाओ आ जाओ मम्मा पास आ जाओ। बहुत हरकतें हो गई। आ जाओ। या अल्लाह शरारतें भरी हुई हैं, शरारतें इसके अंदर कूट कूट के भरे। अच्छा जी हम लोग जा रहे हैं बाहर और नेस्टो जा रहे हैं। वैसे तो ग्रोसरी भी करनी है मुझे और कुछ सामान भी लेना है, तो चलते हैं देखते हैं कि क्या क्या मिलता है मार्केट में। अच्छा जी सबसे पहले तो हमने खाना लिया है जो कि आज घर में कुछ नहीं बना था, और जैसे कि मैंने बताया सुबह से मैं उठी हुई हूँ और आज कुछ नहीं बना घर पे। वहाँ अहमद साहब ने बनाने ही नहीं दिया और ये लोग भी सो के उठ के आएंगे और इनको भी भूख लगी हुई है। लिया क्या है? शोरमा शोरमा और फ्रेश जूस बच्चों के लिए लिया है। और जहाँ से हमने ये शोरमा लिया है ना, ये हमारी फेवरेट शॉप है, फेवरेट मतम है। ये बोर्ड दिख रहा होगा यहाँ से? नहीं दिख रहा, ये वाला। ये यम्मी है मोहम्मद, बहुत यम्मी है। स्ट्रॉबेरी वो भी स्ट्रॉबेरी को आदि वो भी मिक्स है, मिक्स फ्रूट है, मिक्स फ्रूट है, मिक्स। अच्छा ठीक है वो भी है। अच्छा जी मैं ये वाला बर्गर खा रही हूँ और ये कोयले का बना हुआ बर्गर होता है और बड़े मज़े का टेस्टी। अच्छा जी हम लोग आए हैं नेस्टो, नेस्टो से लेंगे कुछ सामान घर का और फिर देखते हैं कि कहाँ जाते हैं। मोबाइल कवर है ये। बहुत अच्छी सेल लगी हुई है नेस्टो में भाई। ये इंडिया की जो मिक्सी होती है ना बहुत अच्छी होती है, ऐसे ऐसे कर देती है बिल्कुल वो वाला चीज को लिक्विड बना देती है माशाल्लाह। ये दोनों एक ही कंपनी नहीं है? नहीं ये कंपनी हमें 2 साल का इंटरनेशनल गारंटी मिलेगा। कौन सा? इसमें डबल ब्लेड है ये वाला। ये भी आपका 4 ब्लेड का है, ये आपका 6 ब्लेड का है, ये आपका 2 ब्लेड 4 ब्लेड। ये पूरा ये 3 है एक सेट। ये 750 वाट है, ये 550 वाट है, ये आपको वाट देता है। 189 वाला अभी 199 का ओवन है ना? इंडिया है ना ओवन? चाइना है, सॉरी। अच्छा यहाँ से मुझे कंबल चाहिए थे सिंगल, और सिंगल कंबल मुझे मिल रहे हैं 34 के और ज़बरदस्त मिल रहे हैं। हैराज की दुकानों में हम गए थे, वहाँ से हमने 2 कंबल उठाए हैं 60-60 के।
और फर्क है? नहीं फर्क है, ये थोड़ा हल्का है, वो मोटा है और अच्छी क्वालिटी वाला है। रज़ाई, हाँ रज़ाई भी 49 की मिल रही है ना, तो अच्छी मिल रही है 49 की। खोल के दिखाओ आदि ज़रा। आदि वो 79 का है, बड़ा कंबल है वो शायद। वो वाला 79 का बड़ा कंबल है, अच्छी है, गर्म हो गई है ना, कॉटन है ना। 39 का है। कौन सी? ये तो चादर है, ऊपर गद्दे के ऊपर बिछाने वाली चादर है 39 की। और ये नीचे वाली आदि 69 पूरा सेट है क्या? नहीं, ये वाला ग्रे वाला 69 का है, ये वाला है ना 69 का। नहीं आदि, हाँ ये लस्सी के लिए होगा आदि, इस तरह घूम रहा है ना बीच में, ये देखिए गोल सा है ना, हो सकता है ये लस्सी के लिए हो, समझ नहीं आ रहा ये जग किस चीज के लिए। ये प्लेटें कितनी अच्छी हैं आदि, देखो कितनी जबरदस्त प्लेट है, पत्थर स्टाइल में। हाँ अहमद के जो है ना पैम्पर ख़त्म हो रहे हैं, मैं हमेशा जो है ना फाइन के लेती हूँ। साइज़ कौन सा है? साइज़ ये 4 है, 5 लो। हाँ ये 4 छोटा हो रहा है इसको, और लीक हो रहा है 4 छोटा हो के। 5 पीछे है, देखो पीछे दिखा है मुझे अभी। ये 6 है मोहम्मद का, तो अभी है रात में ही पहनता है मोहम्मद, दिन में तो नहीं पहनाती। अच्छा अहमद साहब के लिए ना मैं सिरी लेग देख लूं, ये ऑरेंज वाला। सिरी लेग कौन सा लूं आदि? राइस का भी है, अच्छा इसके लिए जो है ना हनी वाला उठा रही हूँ, ये वाला, ये बहुत शौक से खाते हैं, ये भी एक उठा लेती हूँ। कितने की है? 17 रियाल की ले लो, ले लो 13 रियाल का मिल रहा है। 10-13 रियाल का सही है नहीं? हाँ ये भी बच्चों के लिए ले लो। अच्छा नेगेट्स वगैरह पे भी काफ़ी सेल लगी हुई है माशाल्लाह, हर चीज़ पे सेल लगी हुई है, तभी तो ये देखिए इतना क्राउड है यहाँ पे। ले लिया आपने? चीज़ नहीं, उसमें चीज़ है। हाँ नेगेट्स के अंदर चीज़ होती है ना, वो ज़रा अच्छे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, इस तरह ये ड्राई ड्राई नहीं अच्छे लगते। ये बोनलेस लगी हुई है 19 रियाल की, महंगी है, वापस रख दिया आपने? अच्छा वहाँ फिर सस्ती लगी हुई होगी। कौन सी है? गोल्डन चिकन 18 रियाल की, गोल्ड निकलता है 21 कैरेट। अच्छा गोल्ड निकलेगा इसमें से। 28 रियाल की मिल रही है। कौन सी ले लो? स्ट्रॉबेरी मैं नहीं खाती, स्ट्रॉबेरी लेनी है तो बच्चों के लिए लेनी पड़ेगी आपको। नहीं आप लोग स्ट्रॉबेरी खाते हो? इनके लिए स्ट्रॉबेरी ले लो, मेरे लिए ये वाली ले लो पीच की। उठो उठो उठो, अहमद ये अहमद ने की इतनी सारी शॉपिंग? हाँ हाँ कहाँ जाना है, कहाँ जाना है? हाँ कौन सी उठा रहे हो? 17 रियाल वाली?
सादा वाला, हाँ दो पैकेट उठा लो। इनको ट्रॉली चलानी है, ये जोर लगा रहे हैं ट्रॉली चल जाए मुझसे। ट्रॉली है, ट्रॉली चलानी है आपको, हैं हैं ट्रॉली चलाओगे आप? दो ट्रॉली में कर रहे हैं सामान, तो वो हैवी हो गई या दिल से चल नहीं रही है। ये अंडों वाली मुर्गी है, अंडा वाला छोटी नहीं बेटा, अंडे वाली लेंगे ताकि अंडे दे। ओए ओए ओए, अच्छा जी दुकान बताऊँ गोश्त ही कहाँ पे? ये इशारा है मेन, ठीक है यहाँ से गोश्त लेता हूँ और वहाँ पे चिकन मिलती है, उनको फ़ोन करते हैं सब कुछ रेडी कर लेते हैं और अच्छा गोश्त मिलता है पाकिस्तान। और ये दुकान जो है फ्लोर की है ताहून, यहाँ पे भी हर चीज़ मिल जाएगी आपको, ठीक है। इसकी लोकेशन जो है मैं डाल दूँगा कहाँ पे, डिस्क्रिप्शन में। तो ये दुकान है। अच्छा जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह घर आ गए हैं और घर का सामान आ चुका है, अल्लाह का शुक्र है। और ये सारा सेल में से उठा उठा के ये पूरा जो है ना सामान मेरा आया है 1000 का लगा लें, गोश्त और मुर्गी के साथ। और ये मार्केट का सामान टोटल 850 का आया है और मुर्गी गोश्त 300 रियाल। और ये दूध के दो कार्टन उठाए हैं, यानी 1150 तक का ये सामान आया है, 1100-1200 तक का सामान टोटल आया है ये। और बस अभी ये संभालने लगी हूँ और ये 2 हफ्तों का सामान है, यूँ समझ लें। ये दिख रहा है आप लोगों को शॉपरों में इतना ज़्यादा, ये चीनी चलेगी ज़्यादा या सरफ चलेगा, बाकी तो फ्रिज का सामान है। सब्ज़ी इसमें मेरे ख्याल से एक आध सब्ज़ी है, वो भी लौकी नेस्टो से मुझे मिली, बाकी हरा धनिया ये सब चीज़ें जो हैं, बाकी बच्चों के नगेट्स ये सब 2 हफ्तों का सामान है जी। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख शुक्र है। और बताने का मकसद ये है कि आप सब ये कमेंट सेक्शन में पूछेंगे नाजिया कितने तक की ग्रोसरी आई, आपने कितने तक का ये सामान लिया, तो इस वजह से मैंने शेयर कर दिया। और बाकी ये कि अहमद साहब को आते ही फ्रेश किया, अहमद साहब काफ़ी थक चुके हैं, गाड़ी में सो चुके थे और मैं बड़ी खुश थी कि मैं आज सुबह से उठी हुई हूँ, तो ये सुबह से उठे हुए हैं तो ये गाड़ी में सो चुके हैं, तो ये अब अपनी नींद में आ गए हैं, ये अब सोएंगे। लेकिन घर आते ही जैसे बिस्तर पे लेटाया, इन्होंने जो रोना मचाया, मैं अपना किचन का सारा सामान ऐसे ही छोड़ के इनको पहले मैंने फ्रेश किया, अब ये बिल्कुल फ्रेश हो गए, अब अल्लाह जाने ये कब सोएंगे। ये तो हाल है बच्चों का। और मैंने ख़ुद को फ्रेश रखा हुआ है, बाकी बच्चे बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, रात के 1 बज रहा है और हम ये सारा सामान करते 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 यूँ समझ लें कि हम घर से निकले हैं 6 बजे के करीब, 6 बजे निकले हैं तो 1 बज चुका है। और बच्चों ने बीच में नींद भी की है, स्कूल से आए हैं सो गए थे और अभी बहुत ज़्यादा थक चुके हैं मार्केट घूम घूम के और गाड़ी में घूम घूम के। अदील साहब की भी बस हो चुकी है, अदील साहब सुबह के उठे हुए, अदील साहब कह रहे हैं अब तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं जद्दा का सफ़र करके आया हूँ, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप लोग तो थक गए हो, मैं तो सुबह 9 बजे की उठी हुई हूँ, मैंने तो खुद को इतना फ्रेश रखा हुआ है कि गाड़ी में भी मैं इनसे बातें करती हुई आई, इनको स्टोरियाँ सुनाती हुई आई मोहम्मद की, अहमद की, कि माँ अहमद ने सुबह क्या क्या मेरे साथ ड्रामे किए, मुझे उठा के बिठाया हुआ था ताकि अदील साहब को जो है ना नींद ना आए गाड़ी में, बच्चे सब टूटते हैं। और बस व्लॉग काफ़ी बड़ा हो गया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसी के साथ व्लॉग करती हूँ यहीं ख़त्म और नेक्स्ट न्यू व्लॉग में मिलेंगे। इसी के साथ जो है ना आप लोगों से अल्लाह हाफिज़ कहूँगी और आप सब मेरी दुआओं में शामिल हैं और रहेंगे हमेशा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी अल्लाह हाफिज़, शबा खैर।